सो हे गाइस, मेरा नाम है संतोष एंड वेलकम टू एसपीके अपडेट्स। सो आज भी जो मेरे पास काफी सारे अपडेट्स यार पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड, सो भाई वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। चलिए बात करते हैं आज की फर्स्ट अपडेट के बारे में। सो आज के हमारे फर्स्ट अपडेट टेक्निकल योगी से रिलेटेड। क्या था, टेक्निकल योगी रिवील कर अपनी यूट्यूब की इनकम। तो टेक्निकल योगी का ना अनमोल जायसवाल के साथ उनके सेकंड चैनल पर एक पॉडकास्ट वीडियो आउट एंड देन वहां पर इसी चीज के बारे में अनमोल जायसवाल उनसे पूछते हैं उनके यूट्यूब इनकम के बारे में। तो इनको लेकर वो क्या है कि आप खुद ही सुन लीजिए। मंथली जो है आपकी इनकम अभी तक एक कोई ऐसा महीना जिसमें सबसे मैक्सिमम अमाउंट आया हो, या अभी कुछ आइडिया जैसे मंथली एवरेज इनकम इतनी रहती है, ये चीज खरीद सकता हूँ, वो चीज खरीद सकता हूँ। ये तो मैं आपको थोड़ा उस तरीके से बताता हूँ कि लोग समझ भी जाए और ज्यादा रिवील भी ना हो। तो देखो ऐसा है, हाईएस्ट मेरे टेक्निकल योगी चैनल की बताता हूँ मैं। सिर्फ टेक्निकल योगी चैनल पे हाईएस्ट मैंने 7.5 लाख रुपए उठाया एक महीने का। ये खाली एडसेंस था या ओनली एडसेंस? ओनली एडसेंस। स्पॉन्सरशिप की बात है तो मैं 5 लाख रुपए तक भी चार्ज कर लेता हूँ एक वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट टोटल गेमिंग से रिलेटेड। टोटल गेमिंग ने फाइनली कंप्लीट कर लिए 34 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एंड बन चुके हैं सेकंड मोस्ट सब्सक्राइबर्स इंडिविजुअल यूट्यूबर्स ऑन इंडिया। देन इसी को लेकर वो अपने कम्युनिटी टैब में भी शेयर करते हैं, यहाँ पर लिखे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड एट द सेम टाइम टू शेयर दैट वी हैव क्रिएटेड अ कम्युनिटी ऑफ 34 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन टोटल गेमिंग यूट्यूब चैनल। इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर राइड एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स ईच वन ऑफ यू फॉर द बीइंग ऑफ द पार्ट ऑफ माई जर्नी फॉर सपोर्टिंग एंड गिविंग मी मोटिवेशन टू कीप गोइंग। इट स्टिल सीम्स लाइक अ ड्रीम टू मी। थैंक यू, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू हिम। सो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो से रिलेटेड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फाइनली कंप्लीट कर चुके 500 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। एंडी ऐसे फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने 500 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट किया इंस्टाग्राम पर। सो भाई मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू हिम। सो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट टेक्नो गेमर से। तो टेक्नो गेमर ने भी कंप्लीट कर चुके 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन इसी को लेकर वो अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली, यहां पर लिखे फाइनली वी क्रॉस 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ एंड इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। सो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट फीफा वर्ल्ड कप को लेकर। तो क्या हो गया, फीफा का जो वर्ल्ड कप है ना वो कतर में हो रहा है, ठीक है, कतर जो देश है वहां पर हो रहा था। अभी आपने ट्विटर पे देखा हो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था बॉयकॉट कर 2022। तो ऐसा क्यों हो रहा, तो क्या होता है कि जाकिर नायक जो कि पहले इंडिया का रहने वाला था, देन क्या हुआ कि इन्होंने 2016 में इंडिया को छोड़ के मतलब कि मलेशिया भाग गए थे। ऐसा क्यों हुआ कि 2016 में पता चला है कि जो नूपुर शर्मा का जो केस था ना उनके अगेंस्ट से बोल रहे थे, ठीक है। 2016 में ये बात भी पता चली कि इनका जो संबंध है ना, इनका जो रिलेशन है वो टेररिस्ट वगैरह से था। देन इसी को लेकर इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन वगैरह लिए गए, देन ये इंडिया को छोड़ के मलेशिया भाग गए थे। जो कतर है जहां पर फीफा वर्ल्ड कप हुआ, देन फीफा वर्ल्ड कप में कतर की तरफ से इन्विटेशन भेजा गया जाकिर नायक को। इसी चीज के लिए ना अभी जो मतलब काफी ज्यादा बॉयकॉट किया जा रहा है कतर को। देन आपने देखा हो काफी ज्यादा ट्विटर पर भी ट्रेंड करा था हैशटैग कतर बॉयकॉट 2022। देन अभी आपने देखा होगा आपको फीफा वर्ल्ड कप अपने फोन में देखना, देन जियो सिनेमा पे इसका लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, नॉट डिज्नी प्लस हॉटस्टार। देन जियो सिनेमा काफी ज्यादा लेग वगैरह कर रहा है। इसको लेकर टोटल गेमिंग ऑल्सो एक ट्वीट कहते हैं, यहाँ पर लिखे एफ जियो सिनेमा। बादल इसका रिप्लाई करते हुए लिखे मुझे लगा सिर्फ मेरा ही लेग कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप से बात होगी, एक चीज और आपको शेयर करते हैं। तो आपके मन में ये डाउट तो जरूर होगा कि फीफा वर्ल्ड कप में जो जीतेगा जो कि विनिंग प्राइस वो कितना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट चार्ट, ठीक है। जो भी टीम जो ना फीफा वर्ल्ड कप में नंबर वन पे आएगी उसको ऑलमोस्ट $42 मिलियन दिए जाएंगे, जिसको कि अगर INR में करें तो 344 करोड़ रुपए। देन सेकंड नंबर पे देख सकते हो 30 मिलियन है, देन 27 मिलियन थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे 25 मिलियन। देन इस तरीके से देन वहीं पर इसको कंपेयर करना T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट से, तो क्रिकेट का काफी कम है। यहाँ पर देख सकते हो क्रिकेट में सिर्फ 1.6 मिलियन जो नंबर फर्स्ट पे है ना टीम उसके लिए। काफी सारे लोग भाई ये कंपेयर कर रहे थे भाई क्रिकेट में इतना कम एंड जो फुटबॉल का करे इतना ज्यादा, ठीक है, कि इतना ज्यादा विनिंग प्राइस में रखा गया है। तो इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर से शेयर करना। तो चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट अगस्त्या वर्सेस क्रेजी दीप सेठ। पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया इनकी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, देन क्या कि अगस्त्या अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की, वहां पर ट्रोल किया वो क्रेजी दीप को। देन क्या थी स्टोरी आप खुद ही देख लीजिए। ये देख क्या मिला, ये तो कट्टी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट और रोनाल्डो से रिलेटेड। तो अभी आपने देखा होगा रोनाल्डो एंड मेसी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया था जिसपे कि आप देख सकते हो काफी अच्छे लाइक्स वगैरह आए थे उनको। देन जो फोटो है ना ये बन चुके है सेकंड मोस्ट लाइक फोटो, ठीक है। रोनाल्डो एंड मेसी की क्या ये फोटो एडिटेड है, श्रेया वाइटी अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया, यहाँ पर वो बताया कि ये फोटो जो ना एडिटेड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले कैसी थी फोटो, देन उसको एडिट करके कुछ इस तरीके से बनाया गया था। मे भी मुझे तो नहीं लगता क्योंकि उन्होंने खुद से यहाँ पर पोस्ट की थी रोनाल्डो एंड मेसी ने, तो शायद ये एडिटेड नहीं हो सकती। इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन मुझे कॉमेंट करके जरूर से शेयर करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट सुपर खालसा से रिलेटेड। तो क्या था, जट प्रभजोत का नेपाल राइड पे एक्सीडेंट हो गया था, देन सुपर खालसा गए थे नेपाल, देन वहां पर वीडियो वगैरह बनाया था, एक्सीडेंट की जगह बताया, देन यहां पर कंप्लीट केस के बारे में वो बताया था कि जो जट प्रभजोत उनके अगेन केस वगैरह हो चुका है, देन 5 लाख तक का फाइन वगैरह लगेगा। इस तरीके से अपनी वीडियोस में शेयर किए थे। देन क्या हो कि जट प्रभजोत की जो फैमिली थे ना वो सुपर खालसा को रिप्लाई करते हुए बोले कि आप फेक न्यूज वगैरह फैला रहे हो, देन इस तरीके से वीडियो वगैरह अपलोड किए थे। देन इसके बाद क्या हो, सुपर खालसा जो ना आज अपने चैनल पर एक और वीडियो अपलोड किए थे, वो रिप्लाई की जट प्रभजोत की फैमिली मेंबर्स को। देन जो फेक न्यूज वाली खबर
थे, ठीक है, ये जो न्यू एनमैन ने भी अपने चैनल पे कवर करी थी, ठीक है, सुपर खालसा के थे, सुपर खालसा उनको न्यू एनमैन को भी रिप्लाई कर दो अपने वीडियो में कहे, धन्य वहाँ पर जनरली इसी चीज के बारे में बात करते हो। इस वीडियो की छोटी सी क्लिप शेयर कर दे रहा हूँ, कंप्लीट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। जब मैं नेपाल में एक्सीडेंट स्पॉट पे गया, वहाँ पे मैंने जाके लोगों से बातचीत की, और जब मैंने पुलिस वालों से बातचीत की तो मुझे उन्होंने एक ही बात बताई थी कि इस केस में बिल्कुल भी दम नहीं है। जिस बंदे की डेथ हुई है और जिसने एक्सीडेंट किया है, एक्सीडेंट करने वाले बंदे को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से उसको फाइन पे करना पड़ेगा 5,50,000 नेपाल का, और उसको बरी कर दिया जाएगा। तो मैंने ये बात लाइव आके कही थी, लेकिन मेरी ये बात कहते ही इसके घर वालों को इतना बुरा लगा ना, तो उन्होंने मेरे खिलाफ इतना जहर उगलाना, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत गलत गलत शब्द यूज किए, ठीक है। और एक अभी ये न्यूज चैनल चलाए हुए हैं लोगों ने यूट्यूब पे, वो बंदा एक वीडियो बना के डाल रहा है, खुद ये लोग कंटेंट के लिए काम करते हैं, हमारे जैसे लोग कंट्रोवर्सी अगर करते हैं ना तो इन लोगों का घर चलता है, इन लोगों का यूट्यूब चैनल चलता है। यही लोग अभी वीडियोस बना के मुझे और ज्यादा डीफेम करने की कोशिश कर रहे थे कि सुपर खालसा कंटेंट बना रहा था बहुत ज्यादा, उसकी वजह से इसकी फैमिली वालों ने उसको रिप्लाई दिया। भाई तू अपना काम करना, तुझे क्या पड़ी है, तू भी तो कंटेंट ही बना रहा है। तो अगर तू वैसे बोल देता कि सुपर खालसा उनकी मदद करने गया था लेकिन उन्होंने उसको ये रिप्लाई किया तो वो बात बनती थी, लेकिन तू भी जानबूझ के घी में तेल डालने वाला काम कर रहा था कि सुपर खालसा बहुत ज्यादा कंटेंट अपलोड कर रहा है। तो भाई शब्दों को थोड़ा देखा करो, अगर मेरे ऊपर वीडियो बनानी है ना तो पहली बात जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरे ऊपर वीडियोस मत बनाया करो। अगर बनानी है तो अपने शब्दों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखा करो, क्योंकि तुम लोग भी कंटेंट के लिए काम करते हो और तुम्हारा चैनल हमारे जैसे यूट्यूबरों के ऊपर टिका हुआ है, हमारे चैनलों की ही तुम लोग खबरें उठा के दिखाते हो और लोग देखते हैं, ठीक है। आगे से मेरी वीडियोस दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुझे जो बोलना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगले अपडेट फुकरा इंसान से रिलेटेड, तो फुकरा इंसान का ना उनके सेकंड सेल पे एक म्यूजिक वीडियो आया था फ्लेक्स, फुकरा इंसान अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करके बताया सॉन्ग को रिलीज करने की बात ना, ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो फ्लेक्स बाय मल्हान रिकॉर्ड्स नंबर 16 पे यहाँ पर ट्रेंड कर रहा था, देन उसके बाद नंबर 7 पे ट्रेंड कर रहा था थोड़े टाइम के लिए। अगर आपने म्यूजिक वीडियो नहीं देखा देन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगले अपडेट इलोन मस्क रिलेटेड, तो अभी आपको अपडेट पता ही होगा कि जो इलोन मस्क ने जो जितने वेरिफिकेशन भेजे थे, ठीक है, अगर आप ब्लू टिक चाहिए देन आपको $8 पर मंथ जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इलोन मस्क ने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किए थे जिसमें क्यों लिखे नमस्ते, काफी सारे लोग भाई ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये जो अपडेट था अभी इंडिया तक नहीं आया था, जो ब्लू टिक $8 वाला ना, काफी सारे लोग बोल रहे थे कि इलोन मस्क ने मैसेज करके मतलब कि एक तरीके से सिग्नल दे रहे इंडिया की भाई बहुत ही जल्दी इंडिया में भी आने वाला है। देन इसी को लेकर मैक्सटन भी ऑल्सो एक ट्वीट किए थे जो कि आप देख ही सकते हो। चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। अगले अपडेट योगी बोलता से रिलेटेड, योगी बोलता है एक चीज को लेकर काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है, योगी बोलता है इसी को लेकर एक ट्वीट किए थे यहाँ पर लिखे कुछ दिन में शायद मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा तो मजाक मत समझना, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग साथ दे रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं उनको मैं नहीं गिनता, बट जो साथ दे रहे थैंक यू सो मच, चैनल एक फिर इंस्टा एक एंड फोन चोरी, माय सैमसंग S22 अल्ट्रा गॉट स्टॉल टुडे। आपको समझ में आई गया होगा पहले उनका चैनल हैक हुआ देन उसका इंस्टाग्राम हैक हुआ, अभी उनका जो फोन सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा देन वो चोरी हो गया, जिस फोन की अगर प्राइस अभी के टाइम पे आप देखो ना 1,30,000 के अराउंड है। तो ये सर आई होप उनका फोन जल्दी से जल्दी उनको मिल जाए। तो चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। अगले ट्रिगर इंसान से, तो ट्रिगर इंसान रिएक्ट किया दृश्यम 2 मूवी को लेकर, दृश्यम 2 इज अ स्लो बर्न एंड बिल्ड यू अप फॉर क्लाइमैक्स, मेन द एंटायर थिएटर वाज क्लैपिंग इन द क्लाइमैक्स, बहुत मजा आया देख के। तो ट्रिगर इंसान को ये मूवी काफी अच्छी लगी, अगर आपने मूवी देख ली तो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर से शेयर करना। सो दृश्यम 2 से बात हो गई, बात कर लेते इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो मूवी काफी सारी ऑडियंस को काफी अच्छी पसंद भी आ रही, ठीक है, इस मूवी ने काफी सारे रिकॉर्ड्स को भी ब्रेक कर दिया। दृश्यम 2 मूवी ने अपने फर्स्ट 4 दिन के अंदर ही ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड में 107 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है, अभी भी ये मूवी की काफी ज्यादा सोर्स हाउसफुल जा रही है और भी काफी अच्छा कलेक्शन फ्यूचर में करने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट मैक्सटन से रिलेटेड, मैक्सटन ट्रोल के रोनाल्डो मेसी का जो फैन पेज है उसको लेकर। सो क्या होता है कि रोनाल्डो मेसी का एक फैन पेज है जो कि आप देख ही सकते हो, यहाँ पर एक वो ट्वीट किए थे यहाँ पर लिखे वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 700 मिलियन एंड 500 मिलियन ऑफ देम फॉलो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन इंस्टाग्राम गॉट, देन वो जनरली यही कहना चाह रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 500 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है ना 700 मिलियन है। इसके बाद क्या उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा 8 बिलियन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, इसको अगर आप मिलियन में कन्वर्ट करोगे तो 8,000 मिलियन होता है, भाई ये बता रहा सिर्फ 700 मिलियन ही वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। इसके बाद काफी ज्यादा इनको ट्रोल वगैरह कर रहा, कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा ट्रोल वगैरह किया जा रहा है। देन मैक्सटन भी आल्सो इसको ट्रोल करते हुए एक ट्वीट किए थे यहाँ पर लिखे डियर बायजूस प्लीज टीच हिम सम मैथ्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट के। अगली अपडेट अक्षय कुमार से, आपने न्यूज सुनी ली होगी अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 मूवी में जो नहीं होने वाले, अब एक न्यूज निकल के आ रही है अक्षय कुमार की 2 और पॉपुलर मूवीज थी आवारा पागल दीवाना एंड देन वेलकम, देन इनका भी सीक्वल बनने वाला है, लेकिन दोनों मूवी के जो डायरेक्टर फिरोज नाडियाल वाला उन्होंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि उन दोनों मूवी में आवारा पागल दीवाना 2 एंड जो वेलकम 3 मूवी आने वाले उसमें भी अक्षय कुमार हमें नजर नहीं आने वाले हैं। तो इसको लेकर आपके क्या ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर से शेयर करना। सुबह से रही थी आज की सारी अपडेट, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, अपने सभी दोस्तों साथ शेयर करना, देन मैं आपको और भी ऐसे यूट्यूब कम्युनिटी से अपडेटेड रखूंगा, ठीक है। अगर आप और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जो कर सकते